अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह आप सबको खुश रखें, आबाद रखें। आज मैं यहाँ पे आलू के बड़े बनाने वाली हूँ और यूनिक तरीके से बनाने वाली हूँ। और इसको ले लेंगे अपन यहाँ पे ब्रोकेज को इस तरह से रखेंगे, मोटे मोटे लच्छे लच्छे आए जैसा। तो मैं इसको वो दोनों आलू को दो आलू ले ली मैं, दो आलू को खुलप खुरप लेंगे। यहाँ पे देखिए आलू को मैं कद्दूकस कर ली हूँ और अच्छे लच्छे लच्छे हो गए। अब इसको थोड़ा सा पानी इसका निकाल लेंगे धो के इसको। पे देखिए मैं आलू अच्छी तरह से धो लिया और इसका पानी पूरा छन्नी में डाल के छान ली हूँ। अब इसको इसमें डाल लेंगे कटोरे में और अलग अलग कर लेंगे। इसमें मसाले कुछ इस तरह से ले ली हूँ मैं। यहाँ पे धनिया पाउडर आधा चम्मच, आधा चम्मच साबुत जीरा है, आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच अदरक लहसुन, ये सब इसमें डाल लेंगे। जरूरी से लाल मिर्च कम करेंगे, क्यों बोले तो हरी मिर्च भी डाल रही मैं इसमें। हरी मिर्च यहाँ, अदरक लहसुन यहाँ पे, बेसन डालेंगे अपन इसमें 1 से 2 चम्मच। और यहाँ पे ले ली हूँ एक छोटी सी डल्ली प्याज की जो बारीक कट करके रख ली थी। यहाँ पे चिली फ्लेक्स डालेंगे इसमें थोड़े से, आधे चम्मच को भी कम है ये, आधे चम्मच से भी आधा चम्मच चिली फ्लेक्स है ये। यहाँ पे डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च, तो इसलिए मैं लाल मिर्च कम डाली। और इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च। चलिए अब इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, इसमें नमक डाल लेंगे। यहाँ पे ले ली हूँ 2 अंडे। अब इसका क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे 2 पिंच इतना सोडा डाल लेंगे, मीठा सोडा जो खाने का सोडा होता है वो डाल लेंगे, ज़्यादा भी नहीं डालना इसमें। और इसको अच्छी तरह से हाथ से मिला लेंगे। यहाँ पे कोथमीर डाल लेंगे बारीक कटी हुई, ये बहुत महीन बारीक कर ली। और यहाँ पे देखिए मैं अंडों के पीसेस कर ली हूँ जो कि चिप्स के जैसे कर ली हूँ मैं। चलिए आपको बनाने का तरीका बताती हूँ। इसको अच्छी तरह से कोथमीर, तेल ज़्यादा नहीं डालेंगे इसमें, थोड़ा सा तेल डालेंगे ज़्यादा नहीं। और इसको इस तरह से गोल कर लेके, पतले पतले गोल कर लेंगे। यहाँ पे इसके ऊपर एक अंडे का एक पीस रख के इसको उबलावा अंडा। अब इसके ऊपर से भी, और इसके ऊपर से लगा देंगे। फ्लेम को लो रखी में, हाई पे रखे तो एकदम जल जाते, तो इसको इस तरह से ढाप देंगे। या हाथ पे भी कर सकते हैं आप, ऐसे ही ऐसे भी कर सकते हैं। ज़्यादा एकदम थिक मोटा नहीं रखना, थोड़ा पतला। ऐसे ही पूरे कर लेंगे इसको स्लोली, ऐसा आहिस्ता। फिर इसमें बीच में सरका देंगे और अच्छी तरह से इसको पका लेंगे, तल लेंगे इसको। अब इसको पलटाएंगे, यहाँ पे देखिए अच्छे हो रहे हैं, देखिए गोल्डन ब्राउन हो रहा था। इसको स्लो फ्लेम पे करते जाना, इसको हाई फ्लेम लो फ्लेम आप सोच समझ के कर सकते हैं। आप इसमें प्याज भी बीच में, अगर प्याज की पीस भी रख सकते हैं आप प्याज का, वो भी टेस्टी होता। यहाँ पे देखिए अच्छा हो गया इसे गोल्डन ब्राउन। और ये मैं स्लो फ्लेम पे पकाई, क्यों बोले तो अंदर कच्चा नहीं रहना, इसीलिए मैं इसको अच्छी तरह से पका लिया। और देखिए आप कलर भी बेहतरीन कलर आया। इसको निकाल लेंगे प्लेट में, देखिए आप बहुत मजे के होते हैं, आप लोग भी देखिए बना के। तेल भी ज्यादा नहीं डालना इसमें, ज्यादा तेल भी खर्चा नहीं होता इसमें, थोड़े से तेल में आपको अच्छे खासे बन के तैयार हो जाते हैं। ये थोड़ा सा होने का है। यहाँ पे देखिए मैं बहुत बोले तो इसमें से 5-6 चम्मच तेल डाली मैं, छोटे चम्मच से, टीस्पून से, ज्यादा तेल भी इसको नहीं डाला। देखिए इसको ऐसा
ऐड करके इसको तेल में थोड़ा सा ऐसा सर कर देंगे। ये स्लिप आसानी से स्लिप हो जाता है थोड़ा सा पकने के बाद में, थोड़ा सा हाथ से थोड़ा सा दबा लेंगे, क्यों वो तो ज़्यादा मोटा रहा तो फिर अंदर कच्चा रहता, इसको थोड़ा सा साइड में कर लेंगे। हम यहाँ पे दूसरा डालेंगे, थोड़ा सा पतली लेयर बना लेंगे इसको, इसको में रख लेंगे इसको। देखिए अब इसको भी बीच में सरका देंगे, इसको भी थोड़ा सा लास्ट है ये, इसको थोड़ा सा दबा के यहाँ पे देखिए आलू के और अंडे के भजिए बन के तैयार है। आप लोग को पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा लिए ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो आपको देखने को मिले। आज के लिए इतना ही, कल फिर एक नई रेसिपी लेके मिलूंगी इंशाल्लाह अज़्ज़े वज़ल। आप लोग का वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके दोस्त अहबाब में मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लिए ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो आप तक पहुँचे। आज के लिए इतना ही, कल फिर एक नई रेसिपी लेके मिलूंगी इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह हाफिज़।